अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रेकिंग वीकेंड। आज मुझे इतनी खुशी इस बात की है क्योंकि कराची का मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेटा में आजकल क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ स्नो एंड सीजन द वेदर दैट इज़। तो क्वेटा का जब मौसम बदलता है तो कराची का भी बदल जाता है। अब देखते हैं कराची में इस दफ़ा कितनी सर्दी आती है। पिछले साल तो हमने दो दिन सर्दी के गुजारे थे, जिस दिन जो है हमने बड़े मज़े से अपनी शॉल्स और स्वेटर्स और कार्डिगन्स निकाले थे। मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने सर्दी के कपड़े पहनूं, लेकिन कब पहनूं? लाइक लिटरली आई हैव अ जैकेट फॉर ज़िवा जो दो साल पहले हमने खरीदी थी और आज तक हमने नहीं पहनाई। शुक्र है मैंने थोड़े बड़े साइज़ की खरीदी थी, क्या पता इस दफ़ा मैं उसको वो पहना सकूं। तो सर्दियां मुबारक हो कराची वालों। उम्मीद है कि ये जो हमारा एक सर्दियों वाला बबल है वो फ़ौरन से बर्स्ट ना हो जाए और कल धूप, सड़ी हुई धूप ना निकल आए, गर्मी ना हो जाए। तो उम्मीद है कि अच्छा मौसम हो और मौसम से मूड बहुत मौसम और मूड जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे गर्मी होती है तो आपका अलग मूड होता है। जब हम लोग शूट्स कर रहे होते हैं असली में ऐसा होता है कि जहाँ पर एसी चल रहा होता है ना वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वहाँ काम भी अच्छे से खुशी खुशी हो रहा होता है, ज़्यादा काम भी हो जाता है। लेकिन जहाँ गर्मी होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है, जिस तरह आप दिख रहे होते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। सो वी हैव बीन थ्रू ऑल दोज सिचुएशंस। तो विंटर्स बड़े स्पेशल होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विंटर्स डिप्रेसिंग होते हैं। पता नहीं आप लोग इस बात से इतफाक करते हैं या नहीं करते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विंटर्स की रातें जो हैं वो बहुत डिप्रेसिंग होती हैं क्योंकि लंबी रातें होती हैं, बट मुझे तो विंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं और चेंज जो है वो इंसान की ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होता है। आप लोग ये कहेंगे कि हर वक्त बोलती रहती है, बस बोलती रहती है, बोलती शुरू होती है तो बस रुकती नहीं है, पटर 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 चलती रहती है। बट मुझसे भी ज़्यादा बोलने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका काम ही सिर्फ बोलना है, जिनकी शक्ल नज़र आए या ना नज़र आए, जो अपनी तस्वीरें अपलोड करें या नहीं करें, उनकी जो आवाज और उनकी जो बातें हैं वो उनकी पहचान बन जाती है। तो मुझे तो आप लोग जैसे शो में देख रहे होते हैं, कभी किसी शो में ऐसे याद आता है, अच्छा ये फिजा है ना, मेरी आवाज कोई पहचानेगा, शक्ल थोड़ी बहुत पहचान लेगा। बट रेडियो आरजेस जो होते हैं, उनकी रेडियो जॉकीज, उनका सीन ही कुछ अलग होता है। मतलब मुझे याद है कि मैं बचपन में रेडियो कभी अगर सुनती थी उस टाइम पर जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, वो नोकिया के फ़ोन्स होते थे, उसमें रेडियो चलता था और उस पर मुझे याद भी नहीं है मैं कौन से आरजे को सुनती थी, लेकिन कभी कभी अगर सुनती थी तो मैं सोचती थी कि यार ये कैसे दिखते होंगे। और उस वक्त इतनी ज़्यादा इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं थी कि हम जाकर जो है उस वक्त सर्च करते कि जी अच्छा ये कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। तो और फ़ैन फॉलोइंग इतनी क्रेज़ी, साहिर लोधी रेडियो शोज़ करते रहे हैं इतने सालों से, और मॉर्निंग शो करने के बाद, फिल्म करने के बाद भी रेडियो उन्होंने कंटिन्यू रखा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो द काइंड ऑफ मनी दैट यू मेक फ्रॉम रेडियो इज़ लाइक पीनट्स इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू मेक फ्रॉम फिल्म्स एंड मॉर्निंग शोज एंड स्टफ, बट ही स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट। व्हाट कुड बी द रीज़न? आप लोग अगर रेडियो सुनते हैं तो आप लोग आज मुझे फ़ोन करके बताइए कि कौन से आरजे जो हैं, चाहे वो मेल आरजे हैं या फीमेल आरजे हैं, कौन से आपके फेवरेट आरजेज हैं। आज हमारे शो में भी कुछ आरजेज होंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। कल मैं चाह रही थी कि आप लोगों को कुछ 3-4 मूवीज़ जो जल्दी आने वाले दिनों में रिलीज़ होने वाली हैं वो दिखा दूँ, उनके ट्रेलर्स, बट कल टाइम नहीं मिला। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब का ट्रेलर, विच इज़ अ क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी रिलीजिंग ऑन द 9th of November। ओके, सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। एक कंप्यूटर हैकर और एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो एक वेब बुलियंग में फंस जाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स के हाथों जो है लग जाते हैं। तो ये वैसे होता भी होगा, पता है मुझे एकदम से ट्रेलर देख के याद आया कि आजकल जो है वो मुझे अक्सर टेक्स्ट मैसेज आ रहे होते, योर पासवर्ड रीसेट कोड इज़ दिस, ट्विटर के आ रहे होते। तो पता नहीं कौन है जो मेरा ट्विटर हैक करने के चक्कर में लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक हैकिंग जो है वो जहाँ पर यूज़फुल है वहीं पर इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है हम मासूमों के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश करें। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, सो आई सजेस्ट यू वॉच इट। द नेक्स्ट ट्रेलर दैट वी आर गोइंग टू वॉच इज़ ऑफ आउटलॉ किंग, विच इज़ एन एक्शन बायोग्राफी एंड ड्रामा मूवी रिलीजिंग ऑन द सेम डेट 9th of November, सो लेट्स गो एंड वॉच इट। All right, this seems a great watch as well, क्योंकि ये history है, it's a true story from the 14th century, तो ये देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। कुछ लोगों को history बहुत ज़्यादा पसंद होती है, like a lot of people are quite much interested in, मुझे present में ज़्यादा interest है history से ज़्यादा, but a lot of people love watching historical movies, और जो हुआ जो पढ़ने से बेहतर है movie देखना। तो आप लोग मुझे call क्यों नहीं कर रहे हैं, call करें और मुझे बताएं, क्योंकि मसला ये है कि अब हमारे RJs जो हैं वो आ चुके हैं सेट पर, दो
पहुंच चुके हैं और एक अभी भी रास्ते में है। ये वैसे क्यों होता है, लाइव शो 6 बजे शुरू हुआ भी आने दे, मैं उनसे सवाल करती हूँ। लेकिन बात हो रही थी उन लोगों की जो खूब सारा बोलते हैं और अपनी आवाज़ से पहचाने भी जाते हैं, और ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेडियो भी किया, जिन्होंने टीवी भी किया। तो आज हम रेडियो और टीवी के डिफरेंस को भी पहचानेंगे और इनसे बात करेंगे कि भाई अगर टीवी कर रहे हैं तो फिर अब रेडियो करने का क्या फ़ायदा है ना। रबिया किरण राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल अली खान हमारे RY के फैमिली मेंबर। बिल्कुल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मजे में। रबिया हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा बोलती हो, बड़ी नजाकत के साथ बोलती हो, है ना? तरबियत का असर है। तरबियत का असर है, बिल्कुल। गुस्सा आता है तो क्या करती हो? मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं आता? नहीं, और मैं शायद गुस्सा आके ये जो अभी टोन है ये बहुत नॉर्मल है, इससे ज्यादा नीचे हो जाता है लेवल। ये तो उल्टा हो रहा है ना, वरना लोग चीखे मारते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इसके गले से कितनी आवाज निकलती होगी। हाँ, नहीं वो नहीं निकलती, नहीं निकलती, नहीं निकलती। लेकिन खूब डबिंग भी करती हो, रेडियो भी करती हो, अब तो न्यूज कर रही हो माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह से बहुत सारी मेहनत की है तुमने। एक्टिंग भी करती हूँ। एक्टिंग भी करती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई जॉनरा रह गया है सिवाय मॉडलिंग के, वो मुझे करना नहीं है तो वो इसलिए रह गया। क्यों नहीं करना? I don't want to be, मुझे नहीं उस चीज़। अच्छा, मॉडल नहीं बनना? वो नहीं बनना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ करें। आई थिंक इंसान वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर करता है जिसका पैशन होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है ना। तो अगर इन चारों चीज़ों को हम रखें एक जगह पर और तुमसे बोलें कि चूज कर लो उनमें से, तो क्या चूज करो? रेडियो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। हाँ। अगर आप करना चाहते हैं। ओके। तो इसलिए तो रेडियो तो वो मैंडेटरी, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, हाँ, ओके। तो आसान है वो करने के लिए अगर आपकी इंटरेस्ट है। और मुझे होस्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने स्टार्ट भी होस्टिंग ही से किया था इंटर्नशिप वगैरह के बाद। बाकायदा जो आगाज किया था वो एज अ होस्ट किया था एक प्राइवेट चैनल पे। तो अब खैर न्यूज कर रही हूँ, दैट वॉज माई मॉम्स ड्रीम, तो मैं अम्मा का ख्वाब पूरा कर रही हूं। ये सब जगह से जो है ना थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस जमा हो रहे हैं ताकि सब खुश हो। और एक्टिंग, एक्टिंग ये है कि मुझे एक्टर बनना नहीं था, लेकिन वो एक कीड़ा था, मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत वो कीड़ा था, इजाजत नहीं है, लेकिन अम्मा को मना के, अम्मा हो जाएगा देखें थोड़ा सा है, इतना सा टाइम लगेगा, तो टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा ड्रामा के। कैसा रिस्पॉन्स मिला ड्रामा? बहुत बहुत अच्छा, ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बिकॉज मैं चूजी भी हूँ कि मुझे अगर करना नहीं है इसको और थोड़ा ही करना है तो क्यों ना फिर अच्छा करूं। Exactly. तो मैं कैरेक्टर्स अपने हिसाब से फिर चूज करती हूं। Exactly. फैसल आपसे बात करते हैं, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो और टीवी, जैसे हम मैं भी इंट्रो में बात कर रही थी साहिर लोधी की, कि ही डिड मॉर्निंग शोज, ही डिड फिल्म्स, ही डिड एवरीथिंग, बट ही डिड नॉट लीव रेडियो। रेडियो बेसिकली आपकी जो है मिजाज जो है ना उसको जो है पोर्ट्रे करता है। अब आपका मिजाज कैसा है? मेरा मिजाज जैसे अगर मैं जिस तरह का हूँ फंकी, या जैसे कहें बहुत ज्यादा खिलंडरा हूँ, या जिस चीज को खिलंडरा है ना, खिलंडरा खिलंडरा, तो ये वो चीजें होती है, वो उस तरह का मैं अगर मिजाज है, तो रेडियो उस चीज में आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अच्छा। पुराने रेडियो की अगर हम बात करें, रेडियो पाकिस्तान से हम बात करें, तो इतने बड़े बड़े अदाकार जो आए, महमूद अली साहब आए, काजी वाजिद साहब आए, बहरोज सवारी साहब आए, और अरशे मुनीर साहब थी, मतलब जो एक नाम हुआ करता था, मतलब तो वो सब रेडियो से उन्होंने आगाज किया। ठीक है, आपने कहाँ से आगाज किया? रेडियो से आगाज मेरा नहीं हुआ, मेरा आगाज हुआ एक्चुअली एक प्राइवेट टेलीविजन स्टेशन था जो कि बंद हो गया फिर उससे हुआ। लेकिन मेरा जो पैशन है वो है म्यूजिक, बिकॉज आई एम अ सिंगर, और उसके साथ साथ फिर मेरे उस्ताद हैं सोहेल राणा जी, तो उनसे सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि रेडियो अचानक एक इंसिडेंटली रेडियो में चला गया, मैं गाना देने के लिए गया था FM 100 पे, तो उसके बाद वापस आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने गाना चलाया। हाँ। चलाने के बाद फिर मैंने उन्होंने कहा कि गाना आप जो है ना प्रोग्राम करें। मैंने कहा किस तरह होता है? बोले ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में बस मैंने दे दिया ऑडिशन, मुझे नहीं पता कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि फेल जरूर हो जाऊंगा। ओके। तो वो ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद जब वापस आए, उसके बाद उन्हें एक नेक्स्ट डे कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप आ जाए, आपकी आवाज में कुछ है। मैंने कहा पता नहीं, मेरे घर में कुछ है, मतलब मुझे नहीं समझ आता क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो मेरा, जो मैं आप जो बात कर रहा था कि जो मेरा अपने अंदर जो एक चीज है, जो खिलंडरापन जो है, वो चीज जो है उसी तरह से पेपी मूड के अंदर मैंने प्रोग्राम को ऑडिशन दिया था। तो पहले ये होता था ना कि जब हम 95 से आगाज हुआ रेडियो का, FM 100 वाज द फर्स्ट एंड पायनियर रेडियो स्टेशन, वो उसका आगाज हुआ, हम उसके हम 2000 में गए, मेरे ख्याल से 2001 या 2002 में मैं गया। उस वक्त जो है ना जिस तरह की राबिया बात करती ना, क्या सलाम अलैकुम जी, रबिया, रबिया सॉरी, मुझसे भी यही गलती होती है, इसलिए मैं बता रही हूं। ये राबिया रबिया क्यों होती है? है ना, और ये फिजा भी फायदा हो जाती है, तो आप बता, फिजा भी फायदा हो जाती है, ये भी मसला है। खैर आप कंटिन्यू करें अपनी बात। तो मैं कह रहा था कि वो उस चीज में जो है वहाँ पे मैं ऑडिशन देकर आ गया, उसके बाद मतलब वो जो अंदाज हुआ करता था, पहले जो आरजेज होते थे तो वो प्रेजेंटर्स कहलाते थे बेसिकली, बाद में फिर वो आरजेज आ गए। लाइक अब उसमें भी होता है कि आरजेज प्रेजेंटर्स में फर्क क्या है, तो
जैसे वीजे, आप वीजे हैं माशाल्लाह, तो ये प्रोग्राम कर रही हैं, फिर एक तरफ आप होस्टिंग कर रही हैं, तो बहुत डिफरेंशिएट चीज़ें हो जाती ना, तो वो वहाँ मैं ये भी होस्ट कर रही हूँ प्रोग्राम, वो भी होस्ट, हाँ वो भी कर रही हूँ। आप अगर कोई म्यूजिक आपने जैसे कोई लिंक बेस होगा तो फिर आप कहलाएंगे म्यूजिकली, लेकिन वो आप वीजे इसको कर रहे हैं। जी जी जी। तो वहाँ से हमने किया, उसके बाद मैं करके आ गया, तो पहले जो होता था बोलते थे जी अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं और रात का ये पहर हो गया, घर आराम से जाइएगा, फिर म्यूजिक आया वो कौन सी म्यूजिक थी, वो टंग 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 वो चल रही है उसके बाद। क्या बात है जी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कट कर रही हूँ, रियली सॉरी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक के बाद हमारे एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और ये जो मेरा सवाल था इसको कंटिन्यू करेंगे, टीवी या रेडियो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, हेड ऑन गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड जी। अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी ट्विटर पे और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के फेवरेट आरजेज जो हैं वो कौन हैं। साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे एक और मेहमान ने, जैसे मैंने आपको बोला था ब्रेक से पहले कि वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लिया है, जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, पहले भी ब्रेकिंग वीकेंड में आ चुके हैं। मुझे ये बताएं कि आज लेट क्यों हैं आप? आज क्योंकि कोई रैली, आपको पता हमने 10-12 मिनट का सेगमेंट मिस कर दिया। हाँ रियली आज कोई रैली निकल रही थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए। इनफैक्ट मैं और फैसल साथ आए। अच्छा हाँ, साथ ही आए थे, तो फैसल जरा तेज भागते भागते आ गए थे। मेरा मेकअप बाद में हुआ। ओके, लड़के भी मेकअप करते हैं और मान भी लेते हैं, सच्चा कर लेते हैं। सही बात। हाँ कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। और म्यूजिक चल रहा है आजकल? हां, कुछ नया मैं रिलीज कर रहा हूं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने फिल्म के किए दो गाने। लास्ट टाइम मैंने शुएब मंसूर साहब के साथ किया था जी जी जी। और अब मैंने एक और फिल्म की है, सेंटी और मेंटल। सेंटी और मेंटल, यस। सही, क्या नाम है गाने का? एक गाने का नाम है थिरक थिरक। हाँ। और दूसरा गाना छुए छुए थिरक थिरक। अगले वाले आई आई माहिया माहिया। नहीं नहीं, गाना मैंने कंपोज नहीं किया, ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि तुम्हारे होंगे भी ट्विंस। नहीं मेरा ट्विंस नहीं, मेरा बेटा एक। हाँ माशाल्लाह से अब जो है ना नेक्स्ट ट्विंस ही होने वाले हैं, हर चीज डबल चलती हाँ, है तो। मेरी मेरा ये एक लाइफ में पता नहीं क्या है, हर चीज डबल है। डबल डबल, बीवी तो डबल नहीं है? नहीं बीवी एक है, डबल ए आ गया नाम में, जेड डबल ए आई एन। ओके, जेड डबल ए आई एन, ये किसी ने टोटका बताया था या खुद से किया बस? नहीं ये एक्चुअली होता क्या था कि जब लोग सर्च करते थे मेरा नाम या मेरे गाने तो इस्लामिक चीजें खुलती थी क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन लिखते थे, तो इस वजह से मैंने एक ए का इजाफा कर दिया कि यार जब ज़ैन लिखेंगे अगर मुझे ही सर्च करना है तो सिर्फ मेरा ही कंटेंट आएगा, इस वजह से मैंने एक ए एक्स्ट्रा कर दिया। ओके लवली। अच्छा बात बताना ही पड़ता होगा ना। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे डबल ए आई एन। हाँ ना। हाँ अच्छा, बात अभी फैसल से भी और रबिया से हो रही थी टीवी और रेडियो के हवाले से कि लोग जो है वो टीवी करके भी रेडियो नहीं छोड़ते, साला साल करते रहते हैं। इज इट पैशन, इज इट रूट्स और व्हाट? बिकॉज अगर हम बात करें द काइंड ऑफ मनी दैट यू अर्न फ्रॉम टीवी, आप तीनों ने टीवी भी किया, आप तीनों ने रेडियो भी किया है, और रेडियो में और टीवी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो क्यों नहीं आप लोग सोचते कि यार बस छोड़ देते हैं रेडियो? मैं ये सोच रहा था कि जो मॉर्निंग शोज की जो होस्ट होती हैं जी, वो क्यों नहीं छोड़ देती हैं अब, है ना? ओके, रेडियो शुरू करना चाहिए। हाँ अच्छा, वैसे मेरा रेडियो पे आना मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गए रेडियो करते हुए, और मैं हादसाती तौर पे आरजे बन गया था, मुझे कोई वो नहीं था शौक के मुझे आरजे बनना। हाँ, मुझे बस ये था कि मैं किसी तरह मेरा गाना जो मेरे सिंगिंग का म्यूजिक का टैलेंट है या पैशन है वो लोगों तक पहुंचे। ओके। और उसका मुझे जो जरिया नजर आया वो रेडियो नजर आया। इत्तफाकन जिस जमाने में 2006 में मैं एक जगह जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरी सैलरी थी 15,000, सही है? जब मुझे रेडियो से ऑफर आया कि आप करें रेडियो आए 105 से, तो वहाँ पे मुझे पता चला भाई 4,000 रुपये सैलरी होगी मेरी, जिसमें मुझे वीक में 3 शो करने और पूरा महीना करना है। ओके। तो अब यकीन करें मैंने 15,000 की जॉब छोड़ दी थी, 4,000 रुपये आ गया था। मैंने कहा मैं करूंगा, मुझे क्योंकि शौक मेरा असल चीज था मेरा म्यूजिक, और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो एक मुझे जरिया लगा, तो बस फिर मैं बातें करना शुरू कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो की एक फैन फॉलोइंग बनी। क्या है रेडियो, आदत है? रेडियो कंफर्ट जोन है? रेडियो मेरे लिए एक ऐसी, मुझे ऐसा लगता है, आप तीनों से सवाल है मेरा, मुझे ऐसा लगता है मैं वैसे रियल लाइफ में शायद थोड़ा शाय हूँ, या मैं थोड़ा जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता, या मैं स्टेज फ्राइट। हाँ मेरे साथ ये है, तो रेडियो एक वाहिद जगह जहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जहाँ पे मैं जो है फील करता हूँ माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए या अपने लिए, मैं वो एक्सप्रेस कर देता हूँ इजीली। रेडियो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक कॉमन वर्ड है ठरक। रेडियो मेरे लिए नज़दीक वो है।
ओके क्योंकि आप कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आप कहना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे. अब अगर आप आरजे हो तो आप रेडियो पे जाके आपको आना चाहिए बोलना. आप बात किस तरीके से कर रही हैं या कर रहे हैं और अपने वर्ड्स को आप किस तरह से बयान करेंगे, एक पूरा सेंटेंस में कर कर आके आप आगे जाएं, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है. उस मूड से रिलेटेड भी चीजें होती हैं जी. तो और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए. बहुत जरूरी है, विटी होना चाहिए, सेंस ऑफ ट्यूमर नहीं होना चाहिए. सेंस ऑफ ट्यूमर नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. अच्छा, टीवी के शोज में और रेडियो शोज में क्या फर्क है? मतलब एक पिच होती है ना, जब मैं भी एक दफा रेडियो का ऑडिशन देने गई, मुझे भी नया एक वो था कि चलो, मैं समा में काम कर रही थी उस टाइम पर, मैंने सोचा कि चलो नया रेडियो खोला है तो मैं भी जाऊँ. मैं जब वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला कि अच्छा, शोज़ मेरे बड़े अच्छे, सब मेरी तारीफ़ें करें टीवी शोज़ के. लेकिन रेडियो जब मैंने ऑडिशन दिया तो वहाँ पर मुझे बोला गया कि फ्लो और पिच और इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. तो क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? अच्छा, फॉर मी रेडियो इज़ एनर्जी, बिकॉज हाँ, मेरे साथ ऐसे दिन भी आए हैं जब मैं बहुत शदीद बुखार में थी, 3-4 शॉल्स लपेट के और लिटरली कांप रही थी. मैंने उसमें भी रेडियो किया है, मैं रो रही थी, लिंक दिया मैंने, ट्रैक प्ले किया, फिर मैंने रोना शुरू किया, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें चलती मुस्तकिल मिजाज इस हालत में भी रेडियो किया है. और आई डू नॉट मेक हॉलीडे चाहे कोई भी हालात हो. और जो टेलीविजन और रेडियो के डिफरेंस की बात है, आई थिंक मुझे सबसे पहली बात जो रेडियो में बताई गई थी कि डू नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स, या फिर बहुत अच्छा बनने की कोशिश ना करो, जो हो वो बनो. और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ. तो टीवी पे मैं भी ऐसी हूँ, मैं कहा अच्छा बनती हूँ, मैं तो अपनी सारी बातें बता देती हूँ. अच्छा, तो फिर सबसे बड़ा फर्क जो है ना रेडियो टीवी में, क्या आप रेडियो पे बगैर तैयार हुए जैसे दिख है ना, हाय, लेकिन अभी चप्पलें पहनता हूँ, चप्पल पहन मैं आलती पालती मार के अपनी ऑनर कुर्सी पे बैठता हूँ. मैं जो पहना हुआ होता हूँ, मैंने कंगा किया ही नहीं किया, मैं आराम से जाता. तुम यकीन करो, अगर मेरा बस चले ना, मैं हर शो, मेरे पास जो कपड़े हो ना, वो व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, दो जीन्स, एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू, ये बस ये मेरा वार्डरोब हो. मैं हर शो ही नहीं कर पाऊंगी. टीवी की वजह से देखो ना, करना पड़ता है. रेडियो में ये टेंशन नहीं है, जो दिखता है ना वो बिकता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दिखता है वो बिकता है. और जो सुनाई देता है वो सुनाई देने की बात ये होती है कि अब वो चीज जो है ना, अब जब से फेसबुक का ये कल्चर जो आया ना, इससे लोग लाइव वीडियोस जब कर रहे हैं तो जो गेस्ट आता है वो भी तैयार होकर आता है. हमें मजबूरन तैयार होकर जाना पड़ता है ताकि जो देखने वाले हैं. फिर अच्छा, ये चीज मुझे हजम नहीं हुई. फेसबुक पे जो आप लाइव जाते हैं, मुझे नहीं हजम होता. अच्छा, मैं रेडियो वाला कैरिज्मा जो है ना, मैं शोज में, मुझे आई हैव सीन डूइंग पीपल रेडियो शो 2 घंटे के लाइव फेसबुक पे चल रहा है, बट वो वाकई हजम नहीं. इट्स नॉट ओनली अबाउट आरजेस डूइंग इट लाइव, मुझे लगता है कि हर किसी के हाथ में एक्सेस लाइव नहीं होनी चाहिए कि वो लाइव आ सके. रेडियो इज अबाउट आपको ऑडियो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको देखना. अगला आपकी शक्ल नहीं पसंद करता अगर वो आपको जबरदस्ती देखे, क्यों देखे भाई? आप सुनाओ, आपकी क्या पता आवाज ही अच्छी हो. रेडियो एक्चुअली होता ही आवाज का गेम है. बिल्कुल, आपने आवाज ही सुना रही है, आवाज से ही लोग आपकी पर्सनालिटी इमेजिन करते हैं. जब 2006 में फेसबुक नहीं था, लाइव कोई नहीं आता था, और मुझसे जब लिसनर्स मिलने आते थे स्टेशन पे, और मुझसे पूछो तो जैन से मिलना है. मैं ही जैन हूँ. आप जैन हैं? आप जैन हैं? जी जी, मैं जैन हूँ. यार, हम तो समझते बड़ी कोई लंबी हाइट का कोई अमिताभ बच्चन टाइप आवाज, क्योंकि मेरी भारी थी, तो लोग आवाज से एक शक्ल बनाते हैं हमेशा. जो कि रेडियो की मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, जो एक अच्छी खासियत है. आप लोग आपको बेटा तसव्वुर कर रहे हैं अपना, लोग अपने रिश्ते जोड़ लेते हैं आपसे, इमोशनली अटैच हो जाते हैं. और आप हैं भी डिस्क्रीट ना, वो वाला चक्कर भी नहीं है कि भैया जहाँ कहीं जा नहीं सकते और कहीं बैठ नहीं सकते. हमारी गाड़ी थी, क्योंकि ये वाक्य बताना जरूरी है कि वो एक लड़का आया और आने के बाद ना वो बैठा हुआ रिसेप्शन पे, वो शो करती थी, उनका बड़ा फैन था भाई वो. अब वो आया मुझसे पूछने का, यार आप यहीं काम करते हैं? मैंने कहा हाँ भाई. तो बोले यार, ये आरजे है, इनका जो शो चल रहा है. तो अच्छा, टाई वाई लगा के आया बाकायदा, और हाथ में उसकी मिनरल वाटर की बॉटल, जो स्टाइल लड़कियों का होता है उसका स्टाइल था. तो वो आया जवान, लड़कियां टाई लगा के आती है? नहीं नहीं, मिनरल वाटर की बॉटल. अच्छा, मैंने कहा अभी आएंगी ना, मिल लीजिएगा आप उनसे. वो बुके वगैरह लेकर आया उनके लिए. मैंने कहा अच्छी बात है. अब वो आई, आने के बाद वो क्रॉस हो गई. मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, नाम नहीं ले रहा उनका मैं. मैंने कहा ये आपसे मिलने के लिए आए. तो अब वो लड़का खड़ा हुआ यहीं करके और चला गया. सलामकुम जी. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छी. मैंने कहा ये आपके लिए बुके ले, बुके तो दो भाई इनको. फूल ही नहीं, उसने वो अजीब रहेगा ना, हक्का पक्का हो गया. उसको मैंने दिया.
चली गई। उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा उन्होंने जुबैर भाई ये रख लीजिएगा, रख दिया जुबैर भाई ने अपने पास। जुबैर भाई चक्कर में देखे भेज दूंगा जाके। अब वो उसके बाद मुझे बोल रहा है यार पानी पिलवा दोगे दोस्त, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं। मैंने कहा यार ये क्यों, ये गलत है। yes. आप जो शक्ल बना के आए थे ना, कि आवाज जाहिर सी बात है आवाज मीठी होती है, अच्छी चीज होती है, लेकिन आप जो शक्ल बना के आए थे कि ये वो ऐसी होगी ख्वाबों की शहजादी, वो इंसान का एक परसेप्शन भी होता है। पहली दफा अगर आप जैसे किसी कॉल सेंटर में फोन करते हैं, आप खाना ऑर्डर करने के लिए फोन करते हैं, आप उससे बात करते हैं, तो आपकी एक परसेप्शन बन जाती है। काफी देर आपने पूरा ऑर्डर दिया, एड्रेस दिया, नंबर समझाया, तो एक आपको वो एक परसेप्शन होती है कि कोई छोटी उम्र का लड़का है, कोई वो जाहिर है ये बात बता लो क्योंकि आवाज है। तो मुझे ये लगता है कि आवाज जो है ना वो पर्सनैलिटी बनाती है और बिगाड़ती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे क्योंकि मैं डबिंग भी करता हूँ कमर्शियल्स की, मैं वॉइस ओवर्स भी कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री के, बहुत सारे अच्छे मॉडल्स जिनकी डब मैंने की हुई है, जिनकी आवाज, क्योंकि उनकी आवाज उनकी पर्सनालिटी पे जाती नहीं है। yes. 6'2" हाइट हो बंदे की, ये बिल्डर हो और वो आपसे आके बोले सलामकुम, तो आप उसको सीरियस नहीं लेंगी, आप उसको बोलेंगी यार कोई शोखा है, मतलब आप सीरियस नहीं लेंगी। तो आवाज से आपकी बात का वजन एक्चुअली बनता है। लेकिन अब ये चीज काफी चेंज हो गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर अब तो कोई राह चलते को भी ढूंढना, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, आप उसको ढूंढ लेते हैं। हाँ। तो इस तरह आप रेडियो शोज जैसे कभी कोई सुने उसको कोई आवाज पसंद आए उसने फॉरन सर्च कर लिया, अच्छा ये उनको पता है। पहले की फैन फॉलोइंग में और अब की फैन फॉलोइंग में क्या फर्क है? जमीन आसमान बताएं रबिया। जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आई माई सेल्फ अगर मेरे बचपन से पूछा जाए तो मैं 6th क्लास से लेके मेरी जो बचपन की एक हॉबी है वो रेडियो सुनना ही था, उसी पर पिटना, उसी पर डांट खाना और वही सुनते हुए बड़े होना, कभी ये नहीं सोचा था कि आरजे बनना है। तो आप किसकी फैन थी? वो मैं नाम नहीं लेना। अच्छा बट मैंने हाँ ये जरूर बता देती हूँ यहाँ पर, अब चूंकि आपने मुझे पिन कर दिया है तो मैंने फैसल के प्रोग्राम में कॉल की है। अच्छा। एंड फैसल के प्रोग्राम में कॉल किया है, फैसल वाज सेइंग हेलो 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 और मैं नहीं बोल रही थी। क्या बात है, बड़े मजे की बात बता चली यहाँ पर। अच्छा सवाल मैंने ये किया है कि पहले की फैन फॉलोइंग में और अब की फैन फॉलोइंग में क्या फर्क है, क्योंकि फैसल और जैन तो इतने टाइम से कर रहे हैं काम जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा ऑन नहीं था। हाँ बचपन में, बचपन में सुना, मैंने भी बचपन में सुना होगा। मैं तो हाँ यार, हाँ मुझे सबने बचपन है ना, हम सबने इनको बचपन में सुना, आपके साथ मैंने शुरू किया। तो चले ब्रेक के बाद जो है सवाल का जवाब लेते हैं तीनों से। जी और जो सवाल हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले उसका जवाब आपसे लेना जरूरी है। बताइए क्या फैन फॉलोइंग में फर्क, आपने जो है वो फैसल के शो में खुद कॉल किया उस वक्त आपको पता था, आपने क्या सोचा था कैसे दिखते होंगे आवाज सुन के? सच्ची सच्ची बताइए। मेरे बचपन से ये था कि हॉबी भी थी कि कॉल सेंटर पर फोन करके ना एमए के मुझे अपने सेल फोन का ये अपग्रेड करवाना, उनका सर्विसेज अपग्रेड होती है, पैकेजेस दे सकते हैं। अच्छा अगर फ्रेंड्स बनाने हो तो क्या पॉलिसी, तंग करती थी ये क्या करती थी, तो दैट्स व्हाट आई डिड के कैसा होता होगा लाइव में कॉल रिसीव करते हैं तो ऑन एयर आवाज कितने डिले के साथ आती है, सारी चीजें। बिकॉज मुझे हमेशा से था स्क्रीन जो दिख रहा है वो जो स्क्रीन पर नहीं है उसके अलावा कितना फ्रेम है। अच्छा तो मुझे बताओ कि जब पहली दफा इनकी आवाज सुनती रेडियो जब ये कह रहे थे तो दैट्स हाउ ही इज, ऐसे ही क्या सोचा था कैसे दिखते होंगे? हाँ मुझे पता था। क्या सोचा था इनके बारे में? मुझे पता था पहले से ही, पता ऑन स्क्रीन देखा हुआ था, ऑन स्क्रीन देखा हुआ था, मालूमात रखी हुई। फैसल आप बताइए कि पहले की फैन फॉलोइंग में और अब की फैन जो आपके रेडियो के फैन। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी शादी से पहले बड़ी लड़कियां जैसे क्या कहते हैं वो अजीब ही हर्ट लो मैं तुम्हारे खातिर कूद जाऊंगी, ऐसा हुआ कभी? कूद जाऊंगी मेरी जब मंगनी हुई है उसके बाद एक लड़की की कॉल आई, बोलती है मैं जो है छत के नुक्कड़ पे खड़ी हुई हूँ और कूद जाऊंगी मैं, और तुम्हें रिप्लाई करो। तो मैंने कहा फौरन फौरन, हां मैंने कहा फौरन, वैसे मुझे पता नहीं कूदेगी वो। लेकिन उसके बाद शादी के बाद जो है जाहिर सी बात होता ही है कि जो आपके सही फैंस जो होते हैं ना जो आपको शादी के बाद बनते हैं, हाँ जो आपको सही नहीं जो सुनने वाले होते हैं ना वो आपको अब तक सुन रहे होते हैं, जो मैं कहता हूँ चवन्निया होती है ना वो साइट पे चली जाती है। ओके। उसने उसके बाद कॉल की किसने? उस बंदी ने जो नुक्कड़ पे खड़ी नहीं की ना, वो नहीं की ना, तो हो सकता है कूद गई हो। आपने उसको कहा फौरन, थोड़ा सा आप उसको तसल्ली दे देते कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। नहीं खैर मैंने कोशिश तो की थी समझाने की लेकिन अब नहीं समझ सकते क्या करें। अच्छा मेरी दोनों से फैन फॉलोइंग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ और मैंने रिसेंटली रेडियो शुरू किया है, मेरा बहुत ज्यादा करियर नहीं है, इन दोनों का बहुत ज्यादा जैन से भी सवाल करते हैं यही। लेकिन हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
I've never seen a man cup. It's so small. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं फरियाल अमजद लाहौर से। कौन बात कर रही हैं? फरियाल अमजद लाहौर से। फरियाल अमजद लाहौर से। कैसी हैं फरियाल? लाहौर कैसा है? लाहौर बहुत मौसम आजकल अच्छा हो गया है। हाँ, हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है कभी कभी जी, है ना। क्या कहना चाहती हो? मैं जैनुल आबिदीन से कहना चाहती हूँ कि कोई सॉन्ग सुना दे। सॉन्ग जरूर हम सुनेंगे, तो हमारा इट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्लान। ये बताओ कि रेडियो सुनती हो? जी। किसको सुनती हो? जी। किसको सुनती हो रेडियो पर? बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह, क्या बात, थोड़ी बात ही कर लें आप। कैसी हैं आप? जी कैसी हैं आप? बहुत मैं बहुत खूबसूरत हूँ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी रिक्वेस्ट हम जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइए फैंस के बारे में। बता दें, सांस ली है मैंने। हाँ यार, फैंस का ऑब्वियसली बहुत नेक्स्ट लेवल तक देखा है मैंने। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह शायद मेरा म्यूजिक भी था। शायद मेरा म्यूजिक करियर और फिर मेरे अचानक से गाना हिट हो जाना, छुए छुए, और फिर उसके बाद बैक टू बैक यू नो एल्बम रिलीज होना, या तो मैंने एक अलग फैन फॉलोइंग देखी, मतलब क्रेज की इंतहा। अच्छा, मोस्टली पीपल न्यू होना कि ये वाला ज़ैनुल आबिदीन यही है जिसको यही है देखा हुआ है, जिसका वो गाना चलता है। हाँ, ये वही ज़ैन है जिसका शो है। बहुत सारे लोग शायद ये भी थे कि यार ये आरजे गाता भी है। इस तरह से भी लोग क्रॉस प्रमोशन हो गई, आप ये कह लें, तो इधर के फैन इधर इधर के फैन शफल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टीवी, जाहिर है म्यूजिक तो अलग ही रख देते हैं ना, म्यूजिक को तो छेड़ ही नहीं सकते, टीवी या रेडियो क्या चूज करेंगे? अच्छा, मैं अब टीवी करूंगा। अब टीवी? हाँ, अब रबिया न्यूज एंकर, न्यूज एंकरिंग भी कर रही हो? प्रोग्रामिंग एंड रेडियो। प्रोग्रामिंग एंड रेडियो, बड़ा जल्दी से अच्छा सा जवाब दे दिया जी। ए आर वाई का शो या रेडियो? ए आर वाई जिंदाबाद। ए आर वाई जिंदाबाद, इसी बात पे एक गाना हो जाए। मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां, मेरी जान कोई तुझसा है कहां, मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां, मेरी जान कोई तुझसा है कहां, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी, खुशबू तेरी छुए छुए उन प्यारी रातों में, आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, मज़े में मेरी जान जो जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। थैंक यू। लिरिक्स याद है मुझे, तालियां मुझे मेरे। आजकल बहुत चल रहा है, आप लोगों में से कोई करता है ये? मैंने किया। किया है आपने? आपने भी किया रबिया? मुझसे नहीं होता यार, कैसे आप लोग कर लेते हैं? फन डूइंग दैट, बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ दो अपलोड किए। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के बाद वो दो ही कर सकता है ना, उसमें बहुत मेहनत, टाइम लगा, बड़ी महारत से आपने किए थे, बस महारत से। चलो, जब महारत समझ ले। क्या किया था टिकटॉक पर? मैंने किया था बेबी, मासूम सा। हां हां, एक बेबी का किया था, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कोकोनटा। पठान मच्चा था। अच्छा अच्छा, तो अब आपसे सुन ले अब हम गाना। सुन ले जी। क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं सुनाता हूँ आपको, अच्छी सी एक गीत सुनाता हूँ। ओके, मैं फरमाइश करता हूँ, प्लीज करें। किशोर साहब का सर मना है। अच्छा, हाँ किशोर साहब का
शोर साहब का सुनाता हूं पाकिस्तानी अच्छा पाकिस्तानी फिर आप मुझे वो सुना दें आपकी याद आती रही रात भर ओके यार ये तो याद ही नहीं मुझे जैजी का गाना साथ गाते हैं ना मिलकर हां साथ गाते हैं साथ गाते हैं साथ गाते हैं आपकी याद आती रही रात भर रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी सुनाए कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई आवाज आती रही रात भर चश्मे न मुस्कुराती रही रात भर आपकी मुझे अच्छा लग रहा था चले हमारे पास एक कॉल है देखते हैं कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रही है कहाँ से बात कर रही है फिजा पे जोनिश बोल रही हूँ फैसलाबाद से जोनिश जी जी कैसी हैं जोनिश मैं ठीक अल्लाह के शुक्र आप बताएं आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक क्या कहना चाहेंगी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगी थैंक यू सो मच हमारे पास आज तीन तीन आरजेज मौजूद हैं रेडियो सुनती हैं आप हाँ जी अभी कम कर दिया मैंने लेकिन फैसल भाई को सुना है मैंने ज्यादा क्या बात है तो मैं अभी होल्ड पे थी सुन रही थी मैं तो मैं भी इनसे यही रिक्वेस्ट करने वाली थी कि कोई अपनी पसंद का कोई गाना सुना दे सुना दिया मैंने चले आपने लेकिन उन्होंने पहले ही फरमाइश पूरी कर दी थैंक यू सो मच क्या बात है थैंक यू फॉर कॉलिंग इसको कहते हैं दिल से दिल बिल्कुल लगाओ उन्होंने सोचा मैं गाने का कहूंगी लेकिन गाना गा भी तो उन्होंने कहा चलो इससे ज्यादा मुझे बात ही नहीं करनी गाना ही सुनना अच्छा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हो रही थी ना जी ये इतना सुरीला इंसान है कि अभी मुझे मैंने चीज गाई है बाकी जो चीज होती है ना हम फील करते हैं चीज को ना बातें चीजों ये चीज ये फील कर रहे होंगे ठीक है ना तो बाकी ये बड़ा टैलेंटेड बंदा है लेकिन हमारे यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इतना अच्छा गाने वाला क्योंकि जब पहला जब इसका गाना छुए छुआ है तो इसकी जो टोन थी आवाज वाली वो बिल्कुल आप जैसे कहें ना कि इंटरनेशनली जैसे हम कहते हैं हेजल जो आती है चीजें गाड़ी में आप लोग ये बात करके आए थे ना नहीं 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 मैं ये बात नहीं करके आया मैं तुम्हें पैसे दिए प्रॉमिस है ही नहीं मैंने है ही नहीं क्योंकि कहीं फाखर वाली टच जो है ना इसकी आवाज में कहीं चीज मिलती है आई थिंक हर किसी की एक अलग पहचान होती है और जो आवाज दिल को लग जाए वही सबसे बेस्ट है मतलब जिस जॉनर में भी ये काम करता है ना मतलब अलग और ये एंड में जो यूडलिंग वाला जो वो चीज होती है ये आसान नहीं है बिल्कुल अचानक अपनी वॉइस पाकिस्तान में अगर रेडियो की बात की जाए हाँ। तो कहाँ स्टैंड करता है रेडियो अच्छा मुझे अब लगता है क्योंकि अब हमारे मेयार चेंज हो गया अब मुझे ऐसा लगता है चंद दिनों में शायद नासिर खान जान भी रेडियो शो करेगा चंद दिनों में शायद अभी जिसके कल केले छिने शायद वो भी कर लेगा उसकी वजह ये है कि जो चीज़ वायरल होती है अब लोग उसको पिक करते हैं कि जो सोशल मीडिया सेंसेशन है उसको उठा लो शायद टीआरपी ज़्यादा आ जाए सही बात तो आई डोंट नो कहाँ स्टैंड करेगा अगर हम बाहर ममालिक में अगर देखें बैरून ममालिक में जैसे मैं दुबई में रहकर आई 3 साल मैंने वहाँ पर देखा क्योंकि मैंने वहाँ टीवी में काम किया सब वहाँ पर बोलते थे कि तुम्हें रेडियो करना चाहिए क्यों क्योंकि वहाँ पर हर कोई रेडियो सुनता है एवरीबडी इज़ लिसनिंग टू रेडियो एंड
मेरे ख्याल में टीवी से ज्यादा एक्सपोजर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें तो रेडियो का है. एक जमाने में यहाँ पर भी रेडियो हर जगह चल रहा होता था, हर जगह. वो क्या कहते हैं उनको जो रेडियो जिस पर सुनते थे एंटीना वाला, व्हाट डू यू कॉल इट, रेडियो ही कहते हैं उसको. हाँ, वो वही जो है रखा हुआ हर जगह पे. हाँ, लंबा वाला जो है, कोई उसका नाम होता है एक स्पेसिफिक, तो वो रखा हुआ दुकानों पे, दर्जी के पास. और अब हर जगह टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे रेडियो नहीं पाया जाता. व्हाट इज द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ रेडियो? डाउनफॉल रेडियो की तो एस सच हम अगर कहें कि डाउनफॉल क्या है, कुछ भी नहीं है. क्योंकि रेडियो ने तो आप देखें जब से एफएम रेडियोज आए हैं, डाउनफॉल इन द सेंस कि पहले जिस तरह से रेडियो सुना जाता था अभी भी वैसे ही, अब यहाँ पर नहीं सुना जाता. अब क्योंकि लोग गैजेट्स ज्यादा आ गए ना, अब गैजेट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है. अब वो उसमें अपनी लाइब्रेरी होती है, वो कर रहे होते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को गाना डेडिकेट कर दें तो होता है. जिस तरह मैं अगर इसको जो समझाऊं कि आज से 5 साल बाद शायद मुझे लगता है टीवी का भी फ्यूचर नहीं है. जी सही है, ऐसा ही कुछ. अब सब ऐसा ना बोलो, नहीं मैं आपको रियलिटी जो चीज नजर आ रही है. Please. अब सब आ गए हैं. पहले हम पे लोग ना आर्टिस्ट, सिंगर्स, एक्टर्स, मॉर्निंग शो होस्ट, सब होते सेलिब्रिटीज थोपे गए थे हमारी आवाम में. ऐसा हुआ है, सही है, कुछ लोगों को थोपा गया दिखा दिखा के, बिठा बिठा के, दिखा दिखा के. अब ये जो मोबाइल फोन है आपका या आपका सोशल नेटवर्क है, इसमें आप किसी पे कोई चीज थोप नहीं सकते. अब इसमें आपकी मर्जी है कि आपको क्या चीज लाइक करनी है, क्या चीज नहीं करनी, क्या चीज शेयर करनी है, नहीं करनी. तो ये इंसान की अपनी मर्जी पे है. तो इसी तरीके से रेडियो की जो लिसनरशिप कटी है या फिर कम हुई है, या फिर वो जो आप कहना चाह रही हैं डाउनफॉल, मुझे लगता है वो उसकी वजह ये है कि बहुत सारे रुख और मिल गए, बहुत सारी चीजें और मिल गई. टीवी मिला, डाइवर्जन मिल गई टीवी से, अब लोग वेब पे आ गए, वेब सीरीज बन रही है, सिनेमा से ज्यादा लोग वेब सीरीज पे काम करेंगे. तो अब क्योंकि गैजेट्स आ चुके हैं, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, इस वजह से मोनोपोली जहाँ पे भी होगी ना, जिस भी किसी भी इदारे में होगी या किसी भी इंस्टीट्यूट में होगी, तो वो तो चीजें जो है ना वो करती हैं, बर्बाद कर देती हैं. और अच्छी बात ये कि अब किसी को ना किसी आर्टिस्ट को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता. टैलेंट होगा तो ही सामने आएंगे. अब जब लोग कर रहे होते हैं लॉबी सिस्टम की बात और इन सब चीजों की बात, मुझे नहीं लगता कि जिस इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है. जैसे जब अली सेठी ने रंजशी सही गाया तो उनको कहा जाता था कि ये गजलें नहीं गा सकते, तो पर्ची है, ये तो ये है, ये तो वो है. लेकिन वो बंदा इतना अच्छा गाता भी तो है ना, वो तो नजर आ रहा है, वो सुनाई दे रहा है. तो पर्ची अगर अच्छा नहीं गाएगी तो वो नहीं चलेगी. हाँ, वायरल हो गई. ब्रेक नुमान ले लिया, ब्रेक जाए. वेलकम बैक. और अभी मैंने जब शो का टाइटल देखा तो मैं सोच रही थी कि उस वक्त मैं मोटी थी, 2 साल पुरानी तस्वीरें. नुमान आप बदल दें प्लीज, वरना अब मैं लाइव बोलना शुरू कर दूंगी. ये मैं 2 साल पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं अभी तक टीवी पे. आप सोचिए ना, इंसाफी नहीं है, जुल्म नहीं है. आप लोग सब नुमान को मैसेज करना शुरू कर दें. खैर, बात करते हैं रेडियो के हवाले से, टीवी के हवाले से. लेकिन आपको एक चीज दिखाना बहुत जरूरी है, कैंडी फेस्टिवल. कैंडी फेस्टिवल से जहन में आता है कि कोई कैंडीज होंगी, चॉकलेट्स होंगी, कोई बच्चों का फेस्टिवल होगा, कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स आए हुए होंगे. लेकिन नो, कैंडी फेस्टिवल पवेलियन एंड क्लब में एक ऐसा एग्जीबिशन रहा जहां औरतों ने अपने डिजाइन किए हुए कपड़े और ज्वेलरी एग्जिबिट किए. तो चल के देखते हैं कि वो एग्जीबिशन कैसा रहा. अगर एक चीज है पता है, ड्राइविंग से एक चीज होनी चाहिए और आगे भी शोहरी है, जिसको जितना हॉर्न मारो मारते रहो. ड्राइविंग से होना चाहिए, चाहे वो मर्द ड्राइव करे या खातून ड्राइव करे, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी मेजर्स तो हमेशा इंसान को अपने लिए करना है, हमारे लिए तो नहीं करना है, अपने लिए करना है. खैर, बड़ा मजा आया आज के शो में आप लोगों के सबके साथ. आप दूसरे शो में भी आ रही है, पक्का कर लिया. चलो बढ़ा देते हैं, टाइम बढ़ा दे. क्या कहना चाहती है अपने फैंस को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम करें, बिकॉज काम आपको भी स्ट्रांग बनाता है. और काम मेरा भी पैशन है और इसने बहुत कुछ सिखाया है. काम से आप आगे बढ़ते हैं. अरे अरे, जो काम करें, पहले सुनो, जो काम करें वो अच्छा करें, जैसा भी करें. कंगना रनावत ये डब शप करती है. डब शप एक कुछ है, इन लोगों ने शुरू किया हुआ है. और ये क्या करते हैं कि ये अपनी स्क्रिप्ट बना के और फिल्म के सीन्स को डब करते हैं. इतना मजे का होता है. कैसे कंगना रनावत कैसे बोलती है, मुझे उसके डायलॉग सुना दो प्लीज. वो ऐसे होता है कि नहीं, मैंने, मुझसे ऐसा नहीं होगा. आपने जो लास्ट मोमेंट पे मुझे कहा है बगैर प्रिपरेशन के, वो मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है. हम 5 मिनट्स का स्क्रिप्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर तैयार होते हैं कि हमें करना है. ये लाइव शो है और यहाँ स्क्रिप्ट भी नहीं है. ओए होए होए होए, क्या बात है. जो काम करें कंटिन्यू योर मैसेज, जो काम करें मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, बिकॉज ईमानदारी से आपको अपने आप को जवाब देना है. और जमीर अगर आपका मुतमईन होगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. फिर आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है, क्या फर्क पड़ता है. क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं फिर? मैं तो कहूँगा कि जी आप पोलाइट रहें जिंदगी में,
पैशनेट रहें और उसके साथ साथ अपने अंदर जो है पॉजिटिव वे में जो है सोचा करें, लोगों को देखा करें, सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन रेडियो को सुनना नहीं छोड़ें। रेडियो जो है सुनते रहें, एफएम 100 में मेरा प्रोग्राम एंजॉय करें जी। और हफ्ते की शाम 4:30 बजे और हफ्ते की शाम 4:30 बजे अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएंगी तो बिल्कुल इनको देखते रहें बस। ब्रेकिंग वीकेंड हफ्ते की शाम 4:30 बजे मेरा शो आता है हफ्ते की शाम 4:30 बजे अल्लाह के रे इनको देखते रहे हफ्ते की शाम 4:30 बजे मैंने कहा आपका शो होता है चलें मेरा 6 बजे आता है। मैंने एक और मजे की बात बोली, अगर मुझे नेक्स्ट शो में बुलाएंगे तो देखते रहे कंडीशन अगर मुझे ये क्या बात है अच्छा नहीं बुलाया भाई मुझे 4:30 बजे देख लें जहाँ भी जो कि बड़ा जबरदस्त शो है एंजॉय करते हैं उसमें और लोग एंजॉय करते हैं ARY न्यूज पे। ओके जी जैन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप में कोई भी टैलेंट है आप कुछ भी करते हैं किसी भी फील्ड में, बस आप कोशिश करें कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को आगे ला सकते हैं तो बिल्कुल लेके आए, ये आप पे आपका फर्ज है और ये लोगों का आप पे कर्ज है। ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, इट वाज एन अमेजिंग शो, बड़ा मजा आया। रेडियो के बारे में आज मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। आज शो से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे मैं और नुमान, मैं नुमान से पूछूं नुमान रेडियो में टीवी से पैसे कम मिलते हैं ना तो नुमान कह रहे हाँ बहुत कम मिलते हैं तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा अच्छा कितने मिलते होंगे, तो ये हमारी बात हो रही थी। खैर आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए शोज के साथ, कुछ नए गेस्ट और मजे मजे की बातों के साथ। अभी आपने और कुछ नहीं करना, ARY न्यूज़ लगाना है क्योंकि हमारे मेहमान देखना है। अल्लाह हाफिज़।